सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम एक ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसे बनाने में समय भी कम लगता है और तलते समय तेल भी कम लगता है। चलिए बनाते हैं स्टफ कटलेट बॉल। ये है स्टफ्ड कटलेट बॉल के इंग्रेडिएंट। ये सभी आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। 3/4 कप चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इसे मिला लीजिए। आधा कप एकदम गर्म पानी लीजिए और थोड़ा थोड़ा इसमें मिलाते जाइए, किसी चम्मच से मिलाइए। थोड़ा सा पानी इसमें से बच जाएगा, लगभग 1 टेबलस्पून पानी इसमें से बच गया था। और 1 टीस्पून ऑयल डाल लीजिए, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। हाथों से इसे अच्छे से सान लीजिए। अब इसे ढक के रख दीजिए, तब तक हम तैयार कर लेंगे स्टफिंग। 2 मीडियम साइज के उबले आलू, थोड़ी सी उबली हुई हरी मटर, इन दोनों को अच्छे से मैश कर लीजिए। अब इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिला लें। तड़के वाले पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें जीरा, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के चला लें। अब इस तड़के को हमें पोटैटो के ऊपर डाल देना है। अच्छे से मैश कर लीजिए, साथ ही इसमें आप पुदीने की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें पुदीने वाली सेव मिला रही हूँ, आप चाहे तो सादी सेव भी मिला सकते हैं। अच्छे से मिल जाने के बाद छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेने हैं। चावल का आटा अब तक सेट हो गया होगा, इससे अब छोटी छोटी लोइयां तैयार करके इस टाइप से बॉल तैयार कर लीजिए। ये है तिल और एक बाउल में लिया है मैंने सादा पानी। अब चावल की लोई को इस टाइप से बेल लीजिए, हाथों से ही एक कटोरी जैसा बना लीजिए। इसमें स्टफिंग डाल दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए, कहीं से भी ये खुला नहीं रहना चाहिए। तलते समय ये खुल सकता है। एकदम टाइट बॉल बनाना है, इस टाइप से सभी बना के रख लीजिए। उसके बाद में सादे पानी में इसे डुबाना है और उसके ऊपर तिल लगानी है, इस प्रकार कर लीजिए। दोनों हाथों से जैसे लड्डू बनाते हैं उस टाइप से इसे गोल गोल कर लीजिए, तिल इस पे चिपक जाएगी। अब तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इन बॉल्स को तल लीजिए। मीडियम फ्लेम पे सभी तरफ से घुमाते हुए इसे तलना है। इसे तलने में लगभग 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। तल लेने के बाद इन्हें पेपर टॉवल पे निकालते जाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। लीजिए, तैयार है स्टफ्ड कटलेट। इस स्टफ्ड कटलेट को आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और ठंडा होने के बाद भी खाइए, ये दोनों ही तरह का टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की टेस्टी इजी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन पे क्लिक कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज तुरंत आ जाएगा। चलिए मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।